गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेर वेलकम इन आर वाटर सपोर्ट चैनल। देखिए, आपके सामने एक पीएच चार्ट है और इसमें जो भी अल्कलाइन फूड होता है उसका पीएच वैल्यू भी आपको इसमें दिखाई देगा। जैसे कि जिसका 10 पीएच वैल्यू होता है उसको आप देख लीजिए, जैसे कि रॉ स्पिनच, कॉलीफ्लावर, सी वुड, कैरोट, कुकुम्बर, और भी बहुत सारा है, जैसे लेमन्स, लाइम्स। और जिसका पीएच वैल्यू 9 होता है, लाइव वायल, मैंगोज, ग्रेप्स, स्वीट पोटैटो, पपायाज, मेलन्स, फिग्स एंड डेट्स, पियर्स, और भी बहुत सारा। जैसे 8 जिसका पीएच वैल्यू होता है, एप्पल्स, टोमेटोज, टर्निप, बेल पीपर्स, पाइन एप्पल, ऑरेंजेज, एलमंड्स, फ्रेश कॉर्न, ओलाइव्स, रेडिस, चेरीज, ग्रेप फ्रूट्स, सोयाबीन्स, मिलेट्स, एप्रिकॉट, पीचेज, बनानाज। तो ऐसे अगर अल्कलाइन फूड का अगर आप यूज करेंगे, वेजिटेबल्स या सीरियल्स वगैरह का, ग्रेन्स वगैरह का, तो आपका बॉडी का अल्कलिनिटी ज़्यादा होगा। यदि आरओ का पानी यदि आप कम टीडीएस का भी पीते हैं, क्योंकि वो तो जनरली वो एसिडिक होता है तो नुकसान नहीं करेगा। इस ढंग से आप बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं अल्कलाइन फूड यूज करके। ऐसे बहुत सारा ऐसा भी फूड है जो एसिडिक होता है। अब देखिए, ये बहुत सारा आपको एसिडिक फूड आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, इसका पीएच वैल्यू 6 है, जैसे मिल्क, योगर्ट, मोस्ट ग्रेन्स, मानी बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स हैं जो एसिडिक होता है, एग्स, किडनी बीन्स, प्रोसेस्ड जूसेज, ब्राउन राइस, वेस्टर्स, फ्रूट जूसेज, सोया मिल्क, गोट्स मिल्क, फिश, ओट्स, कोकोआ, कोल्ड वाटर फिश, कोकोनट, सैलमन, ट्यूना, राइस एंड आलमंड मील। और 5 पीएच वैल्यू वाला, जैसे कुक्ड बीन्स, शुगर, पोटैटोज, बटर, चिकन एंड टर्की, कैंड फ्रूट, पिंटो बीन्स, लेंटिल्स, राइस केक्स, बियर, वाइट राइस, नेवी बीन्स, ब्लैक बीन्स, कुक्ड कॉर्न। 4 पीएच वैल्यू वाला बहुत सारा ऐसा भी, जैसे कि कॉफ़ी, व्हीट, पॉपकॉर्न, वाइट ब्रेड, बीफ, मोस्ट नट्स, पीनट्स, ब्लैकबेरीज, टोमेटो सॉस। और 3 पीएच वैल्यू वाला, जैसे कि पास्ता, टोबैको स्मोक, गोट चीज, पॉर्क सोडा, पिकल्स, चॉकलेट, वाइन, चीज, ब्लैक टी। इस तरह से बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो एसिडिक पीएच वाले होते हैं। तो आपको अपने बॉडी का जो ब्लड का जो पीएच होता है उसको मेंटेन करके रखना है। इसके लिए आपको पैथोलॉजी वाले के पास जा करके अपना ब्लड का पीएच चेक करवाना है। इससे क्या पता चलेगा कि आपका ब्लड का पीएच जितना होना चाहिए, 7+ और 9 के अंदर वो है कि नहीं। अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, तो वो मेंटेन है कि नहीं। तो आप खाद्य पदार्थ को बैलेंस करके आप अपना बॉडी का पीएच वैल्यू को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।